ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए कहीं ना कहीं मुखिया के पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे निर्माण सारे विकास कार्य मुखिया की देखरेख में होते हैं। हमारे साथ तेलंदा पंचायत के मुखिया शिव कुमार शाह मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि पिछले 5 साल के दौरान इनके कार्यकाल में इनके पंचायत क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हुआ और कौन कौन से विकास कार्य, क्या क्या निर्माण कार्य अभी भी ठप है, आने वाले चुनाव में क्या मुद्दा होगा। इन सभी बातों पर, इन सभी सवालों पर हम नजर डालेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या है मुद्दा आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में, और कौन कौन से विकास कार्य ऐसे हुए हैं जो इनके पंचायत में देखने योग्य हैं, जानने योग्य हैं। सबसे पहले तो मुखिया जी, स्वागत है आपका सिल टीवी पर। सबसे पहला सवाल जो हर एक जनप्रतिनिधि से पूछा जाता है, हर एक जनता के मन में होता है, ये जानना कि 5 साल आपका अब पूरा होने वाला है, फिर से मुखिया चुनाव की घोषणा होगी। इलेक्शन कमीशन द्वारा अभी डेट नहीं आया है, पर कुछ दिन में, 2 महीने में हो जाएगी। क्या लगता है आपको, आपके पिछले 5 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्य से आपके क्षेत्र की जनता संतुष्ट हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आप हमारे पंचायत आए हैं, बहुत खुशी की बात है। मेरा नाम शिव कुमार शाह है, जैसे आप जानते हैं मेरा घर सनोखर बाजार पड़ता है, सनोखर पंचायत। हम तेलंदा पंचायत के मुखिया हैं और यहाँ जो विकास किए सभी जनता के बीच में है, वो विकास मेरा बोलता है। आप हमारे पंचायत वार्ड दर वार्ड घूरे भी, यहाँ का देखे भी। जब हम यहाँ पहली बार चुनाव लड़े तो यहाँ का मुद्दा था रोड, नाला, पानी का, और भगवान ऐसा चाहा कि 7 निश्चय हमारे मुख्यमंत्री जी लाए, उससे पानी का व्यवस्था हम लोग किए और प्रत्येक घर नल का जल पानी पहुँचाए। जिस वार्ड में एक होना था एक हुआ, जिसमें दो होना था दो हुआ, हमारे 4 वार्ड में दो दो नल जल का काम किसी में पूरा हो गया, किसी में पूर्ण होने वाला है। यहाँ मुख्य सड़क के बाद एक भी गली वगैरह नहीं बना था, पक्कीकरण नहीं था, हम आके शुरुआत में वही काम किए और 100 जहाँ 10 काम था वहाँ 8 काम 7 काम हम करके जनता के बीच में दिखाए। अभी आप खुद कह रहे थे कि आपका जो घर है वो सनोखर पंचायत में है और आप तेलंदा पंचायत के मुखिया हैं, तो इतना बड़ा रिस्क आपने क्यों खेला, अपना गृह पंचायत छोड़ के किसी और पंचायत से चुनाव लड़ना? तो कहीं ना कहीं बाजी अपने हाथ से निकल जाती है, ऐसे में आप चुनाव लड़े जीते, तो ऐसा रिस्क आखिर क्यों? बचपन से ही हमको शौक है और शौक रहा है कि जो काम औरों से नहीं हो वो काम हम करें। जिंदगी में हम कभी भी ये नहीं सोचे कि ये काम नहीं होगा। हम बहुत गरीब घराना से आते हैं, मेरा कपड़े का व्यवसाय था और उसी दरमियान में हमको चारों तरफ एक दो जिला नहीं, 4-5 जिले के लोग हमको जानते हैं कपड़े व्यवसाय से। मेरा मुख्यतः व्यापार था फेरी का, चेन्नई में, पूरा तमिलनाडु, पूरा आंध्र प्रदेश, सूरत में मेरी अपनी दुकान थी। तो सब दिन हम सोशल काम में जनता के बीच में रहे, तो एक इच्छा हुआ, हमारे मित्र लोग, बड़े भाई लोग थे, उन्होंने एक बार बैठ के हमको समझाया कि आप इतना जनता का सेवा करते हैं, एक बार चुनाव भी लड़ें आप। तो हम चुनाव लड़े और हमको कभी भी ये नहीं था कि हम यहाँ से हारेंगे, तो चुनाव लड़े और यहाँ की जनता अपार बहुमत से हमको नहीं। फिर भी अपना पंचायत जो होता है मुखिया जी, जहाँ बचपन से रहे, जिस पंचायत में खेले बढ़े बड़े हुए, उस पंचायत को छोड़ के, उस पंचायत का विकास करना भूल के, उसको दरकिनार करके किसी और पंचायत के विकास कार्य में आप व्यस्त हुए, वहाँ से चुनाव जीते, वहाँ पर आपने काम किया, आपको नहीं लगता है कि आप अपने पंचायत में यदि विकास कार्य करते तो वहाँ की जनता आप पर ज़्यादा भरोसा करती? हाँ, ऐसा हम सोचे थे, लेकिन चूँकि वहाँ महिला सीट है और हम नहीं चाहते थे कि हमारी वाइफ चुनाव लड़े, ठीक है, इसीलिए यहाँ जेंट्स और अति पिछड़ा में था, सिर्फ हमारे बगल के, और गांव रहे, अपना पंचायत रहे या पड़ोस के रहे, जो आदमी अच्छे होते हैं वो कहीं भी अच्छा करते हैं और उनको सराहा जाता है।
इस बार जो चुनाव होने वाली है, पिछला 5 साल अब आपका खत्म होने वाला है, पूरा होने वाला है। इस बार आप हेड भी आपका टेल भी आपका वाला गेम खेल रहे हैं। आप सनोखर सीट से अपनी पत्नी को और यहाँ से आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये मुद्दा क्यों, मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि गांव की ग्रामीण राजनीति आपके हफ्ते बंदी रहे? नहीं, आपकी घर की मतलब कि जो गाय हो जाए, ऐसा चाह रहे हैं आप? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारी पत्नी सनोखर से चुनाव लड़े, लेकिन उनका भी कहना है, हमारे पत्नी का, कि आप राजनीतिक से दूर हो जाए, आप तेलंगाना एक बार चुनाव लड़े, आप चुनाव दोबारा नहीं लड़े, आप चुनाव पोस्टपोन्ड करें, और आप अगर नहीं लड़ते हैं तो हम सनोखर से नहीं लड़ेंगे, अगर आप तेलंगाना से लड़िएगा तो हम भी सनोखर से लड़ेंगे। उनको राजनीति मन नहीं भाती है और वो हमको हमेशा चाहती है कि सोशल काम करे, लोगों का मदद करे, लेकिन राजनीतिक से दूर रहे, इसीलिए थोड़ा सा उनको ईगो है, वो हमको बहुत समझा रही है, लेकिन हम सोचते हैं कि जिस पंचायत में हम 5 साल तन मन धन से सेवा किए हैं जनता का, हम उसको कैसे छोड़ गए। बड़ा सराहनीय रहा आपका पिछला 5 साल, यहाँ के ग्रामीण संतुष्ट हैं, सड़क पानी प्रधानमंत्री आवास इन सभी चीज़ पर आपने ध्यान दिया, क्या लगता है आपको कौन सा ऐसा विकास कार्य अहम था जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को? यहाँ जब हम चुनाव जीत के आए तो मेरे भी मन में इच्छा था कि यहाँ एक जनप्रतिनिधि को बैठने के लिए एक पंचायत सरकार भवन हो। हम प्रयास किए, लेकिन कुछ जो हमसे पुराने मांझे हुए मुखिया लोग थे वो पहले बाजी मार लिए, पहले पंचायत सरकार भवन हमारे यहाँ ही आवंटन हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश वो सब कुछ तिगड़म लगा के अपने पंचायत में लेते गए। यहाँ तो एक पहला पंचायत सरकार भवन नहीं है और दूसरा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ डॉक्टर बैठे, तो ये दो चीज़ में मेरा दिमाग था, हद तक हम सफल भी हो गए थे लेकिन कुछ कुछ कारण से हम पीछे हो गए। हम चाहेंगे कि ये दोनों हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बने और इस बार हम उसको पूर्ण करें। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र का ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण हो रहा है, डॉक्टर भी बैठ रहे हैं, दवाई भी मुफ्त उपलब्ध हो रही है, आपके ग्रामीण क्षेत्र में आपके पंचायत में ऐसा कुछ? ई सरकार के द्वारा चलाया गया एकदम ढकोसला है, इसको हम नहीं मानते, डॉक्टर तो बैठते ही नहीं है, ये कहीं नहीं है, नर्स आती है वो भी कभी आती है कभी नहीं आती है, तो डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं है। आयुष्मान भारत के द्वारा जो कार्ड बना है वो भी टाइम टाइम फीस है, कहीं उसका कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ इसका भी कुछ अच्छा प्रभाव जनता के ऊपर पड़ रहा है या उसका लाभ भी ले रहा है, तो ये स्थिति है हमारी। क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा, जिस मुद्दे के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे, आप वोट मांगेंगे, वो मुद्दा क्या होगा? देखिए, रोड नाला तो ये डेली बनता है और डेली मना ये उखड़ता है, ठीक है ना, डेली टूटता है और डेली बनता है, ये मुद्दा अब कुछ नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो मुद्दा हमारा होगा, प्रत्येक स्कूल को अपने द्वारा जो मुहैया होगा उसको, वहाँ के विद्यार्थी को पढ़ने के लिए जितनी भी सुविधाएं होंगी अपने तरफ से, दूसरे से मदद भी लेके हम उसको करने का प्रयास करेंगे। पहला मेरा शिक्षा होगा, दूसरा मेरा स्वास्थ्य होगा, किसी भी कीमत पर इस 5 वर्ष में हम स्वास्थ्य केंद्र यहाँ एक खोलेंगे और डॉक्टर बैठाएंगे। सरकारी डॉक्टर नहीं भी बैठे तो हम एक प्राइवेट डॉक्टर अपने पंचायत तेलंगाना में हम बैठाने का प्रयास करेंगे, और प्रयास ही नहीं उसको हम बैठाएंगे, ये ग्रामीण जनता से मेरा वादा है। ये तो आने वाले चुनाव का तैयारी हुआ, आपने बोला कि नाला सड़क ये सभी तो बेसिक बातें हैं, डेली बनती है डेली उजड़ती है, पर जो पिछला 5 साल आपका गया उस 5 साल में आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या किया? देखिए, 5 साल में 2.5 साल तो उनको समझने में लगा,
और 2.5 साल जब समझ के बाहर निकले तब तक लॉकडाउन कोरोना ये वो तो उसमें सब बाधित रहा। नहीं तो मेरा ऐसा अभी हम सोचे थे सब वार्ड को बैठा के बोले थे कि जो आपके यहाँ स्कूल हैं अपने तरफ से दो दो टीचर जो शिक्षित हो और बेरोजगार हमारे गांव में घूम रहा है उसको स्कूल भेजे और बच्चे को शिक्षा देने का काम करें उसी सरकारी स्कूल। मेरा ऐसा था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देखिए कोरोना कहीं ना कहीं बाधक तो था विकास में, पर जनप्रतिनिधियों के लिए समाज सेवकों के लिए ये एक मौका था तो नाम कमाने का, काम करने का, जिन्हें समाज सेवा करना है उन्हें समाज सेवा करने का। इस दौरान आप जनप्रतिनिधि रहे, साथ साथ आप मुखिया रहे, समाज सेवा भी आप करते हैं। कोरोना काल में आपकी क्या भूमिका रही? कोरोना काल में पिछले बार जो शुरुआत हुआ था उसमें हम बढ़ चढ़ के काम किए। हमारे तरफ से जो भी हुआ चाहे राशन वितरण हुआ हम वो भी किए। जितना भी हमसे सफड़ा हम प्रत्येक गांव में जा के उनका सहयोग किए। अब आने वाले चुनाव में जो भी मुद्दा होगा, जो भी रिजल्ट आएंगे वो सभी देखने की बातें होंगी, पर पिछले 5 साल के कार्यकाल में आप अपने काम को 10 में से कितना अंक देंगे? देखिए अंक देना तो नहीं, नहीं आपके अनुमान आपके मुताबिक आपने 10 में से कितने अंक लायक काम किया? सर अंक हम नहीं दे सकते, अंक हमारी जनता देगी। अंक हम नहीं देंगे। जिस गांव में एक भी रोड नहीं था और 5 वहां रोड बनना था मुख्यतः, उसमें से हम 4 रोड बनाए तो जनता वहां की जानती है। जहां पानी का व्यवस्था नहीं था हम पानी वहां दिए, ये तो जनता उसको देख रही है। हम अंक कैसे दे सकते हैं? जनता जनार्दन है, वो भगवान। ये तो पॉलिटिकल बातें हुई, ये तो मतलब राजनीति बातें हुई, पर अगर अनुमान लगाया जाए कि मैंने आपने बताया ना अभी 5 में से 4 सड़कें आपने बनवाया, 90% इसका मतलब 9 अंक। तो ऐसे ही आप घुमाकर अंक दे रहे हैं खुद को, पर आप खुद 9, 8, 7 नहीं बोल रहे हैं। देखिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, अपने मुँह से बड़ाई हम करें ये शोभा नहीं देता है। और जब जनता हमारे काम को सराहेगी तो ही हमारे लिए सराहनीय होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पिछला जो कार्य रहा, पिछला कार्यकाल, जो भी काम आपने किया, जो भी निर्माण कराया, पानी सड़क जो भी व्यवस्था आपने अपने समाज में किया, उसके बल पर आप अगला चुनाव जीत जाएंगे? 100% मतलब यहाँ की जनता आप पे भरोसा कर रही है? एकदम वो करेगी सर। जनता हमको वोट नहीं देगी, जनता अपने लिए हमको वोट देगी। अच्छा आप अपने वोटरों से क्या आग्रह करना चाहते हैं, सिर्फ टीवी के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, जो भी आपको देख रहे हैं हमारे दर्शक या आपके वोटर, आपके समाज के लोग? हम तमाम अपने पंचायत के जनता से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि अगर हम आपके गांव में आपके वार्ड में काम किए हैं और आपके साथ मेरा अच्छा व्यवहार रहा है, अच्छा बर्ताव रहा है, तो मेरे लिए नहीं, हम आज मुखिया हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, कल भी रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बन गए मुखिया, मेरा सिलपट पर लग गया, अपने आप के लिए आपको जो अच्छा बुझावे, आपके नज़र में जो आपके लिए 5 साल काम किया है आप उनको वोट कीजिए। गरीबों को घर की बहुत समस्या होती है, बारिश का समय है ऐसे में तो घर गिर भी जाता है, जो कच्ची मकानें होती है, प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या वस्तु स्थिति है आपके पंचायत में? प्रधानमंत्री आवास योजना ये बहुत बड़ी बात है। जब हम शुरुआत में पंचायत घूमने जाते थे तो फतेहपुर हुआ एक वार्ड है, फतेहपुर गांव है, अफजलपुर हुआ या अवैया हुआ जहां आप लोग बैठे हैं, या बनियड्डा हुआ, यहां 50% घर फूस का था, खपड़े का था। तो हमको लगता था कि हम लोग इतना आगे बढ़ गए और आज के डेट में भी ये स्थिति है। भगवान से हम मनाए कि हे भगवान ऐसा हमको कीजिए कि हम इन लोगों का कुछ हमारे द्वारा मदद होगा। और आज के डेट में प्रधानमंत्री आवास योजना 800 परिवार को पूरे पंचायत में देने का काम किए। अब भी जितना भी घर बन रहा है या नया बन के तैयार हुआ है, 100 भी अगर 800 घर बना है हमारे द्वारा बन रहा है,
और जितना भी बन रहा है 5% ही अपने निजी पैसा से कोई बनवाता होगा, बाकी बाद हमारे प्रधानमंत्री आवास से बन रहा है। पूरे प्रखंड में सबसे ज़्यादा आवास हमारे पंचायत का बनता है। अच्छा मुखिया जी, एक अंतिम और कड़ा सवाल, तीखा सवाल, जितना ज़्यादा घर का निर्माण हुआ उतना ज़्यादा कमीशन मिलता है, ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से पंचायत घूम रहे हैं हम, 40-42 पंचायत घूम चुके, वहाँ ऐसा है कि 25,000 रुपये दिए सर तो हमको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लाभ आपने दिलवाया, तो सबसे ज़्यादा आदमी से आपका कंसल्ट था, सबसे ज़्यादा आप चाहे तो 25,000 रुपये ले सकते थे, तो ऐसा क्या स्थिति रहा आपकी पंचायत में? क्योंकि जो वस्तु स्थिति है, जो सच्चाई है, वो यही है कि गरीबों से भी पैसा वसूला गया है। आप भी जानते होंगे, आपके पंचायत में हो ना हो, आपके अगल बगल के पंचायतों में, आपके पड़ोसी पंचायतों में, आप समाज में रहते हैं तो इस चीज़ से ना नहीं कह सकते, ऐसा होता है और हुआ है, अभी भी हो रहा है। आपके पंचायत में इसकी क्या स्थिति है? आप जहाँ बैठे हैं ये 4 नंबर वार्ड है, ये बगल में काली स्थान है। जब हम यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए तो किसी को रोड और नाला नहीं चाहिए था, किसी को आवास भी घर नहीं चाहिए था, यहाँ सबको ये काली स्थान चाहिए था, क्योंकि ये काली स्थान इतना मतलब शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि यहीं के लिए मांग करते थे कि पहला मुखिया, दूसरा मुखिया, तीसरा मुखिया, चौथ सब करके गए, आज तक कोई नहीं बनाए। तो हम लोग 4 नंबर वार्ड में बैठे हैं और ये काली माँ है, इसका कसम खा के बोलते हैं, अगर इस वार्ड से या हम किसी से 1 भी रुपया मंगवा के अगर अपने पास रखे होंगे तो फिर हमको अपनी जिंदगी, मुखिया एक सम्मानित पद होता है, मुखिया खुद ना तो पैसा वसूलेंगे ना पैसा लेने जाएंगे, बिचौलिए होते हैं, दलाल होते हैं, उनके द्वारा ये काम। हम आपको क्या बोले, हम आपको भी बोले ना, यहाँ और जो भी है हमारे 4 नंबर वार्ड में, आज तक मैं कसम खा के बोलता हूँ, आज तक उसको हम ये नहीं बोले कि हमको 2 रुपया तुम तहसील के ला के दो और मेरा जम इस वार्ड के बाद जहाँ हम लोग बैठे हैं। चलिए, यदि आपने अपने समाज के लिए काम किया है, आपने विकास किया है, आपकी जनता जिन्होंने आपको मत दिया, जिन्होंने अपना वोट आपको दिया, उसके लिए यदि आपने कुछ विकास अपने समाज में किया है, तो आने वाले समय में जनता आपका साथ जरूर देगी, आप इलेक्शन में जरूर जीतेंगे। पर यदि आपने जनता को ठगा है, विकास कार्य नहीं किया है, विकास कार्य ठप पड़े हैं, तो ये सभी चीज़ जनता देखती है और चुनाव में इन सभी चीज़ों का आकलन वो खुद करती है। हमारे साथ थे तलौंदा पंचायत के मुखिया, इन्होंने अपनी पंचायत में हुए विकास कार्यों पर एक नज़र डाला, हमें बताया कि क्या क्या विकास कार्य इनके कार्यकाल में हुआ है। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे सभी विकास कार्यों का जायजा लेने हम एक एक कर हर एक गाँव जाते हैं, हर एक पंचायत जाते हैं और आपको वहाँ की हकीकत से रूबरू करवाते हैं। यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, और यदि ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंद।